फिल्मस्कॉलर अब्दुल वहीद अल हुसैनी को सुनने के लिए हर्फ हक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नाज़रीन, मैं मुकर्रम माशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, जो मज़हबी लेवल पे जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, जो रिलेटेड होते हैं मज़हब से या मसलक से किसी भी, उन्हें मालूम है आज जहलम में क्या कुछ होने जा रहा है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब जहलम पहुंच गए हैं और अभी कुछ ये मालूम नहीं कि इंजीनियर साहब आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं आपको ये पहले बता दूं, यहाँ पे जो लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं, मेला होगा, शो होगा, देखेंगे, ये मज़े उड़ेंगे, ये होगा, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। बिल्कुल जैसे मुफ्ती साहब गए हैं वापस आएंगे। और मुफ्ती साहब असल में गए हैं अपने, उनके जो शागिर्द हैं मौलाना मूसा साहब, उनके शागिर्द हैं जामत रशीद से, वो फाजिल है, मैं उन्हें जानता हूँ। तो उनके यहाँ गए हैं दो दिन के लिए, तो वापस चले जाएंगे। मैं आपको फाइनल बता दूँ, एडवांस बता दूँ, बल्कि एक सरप्राइज़ समझ लें, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। असल में दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने नहीं होना चाहते, ना तो मुफ्ती साहब मुनाज़रे का शौक़ रखते हैं, ना वो कुछ ऐसा चाहते हैं, ना तो इंजीनियर साहब। तो इल्मी ऐसी ऐसे जो कुछ हैं मेरे ख्याल में आप जानते हैं ना, तो ये दोनों के मुनाज़र नहीं हैं, दोनों ही मुनाज़रे से भाग रहे हैं। तो क्योंकि लोगों ने बहुत तंग किया इनको कि देखिए वो क्या हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं, आप नहीं जा रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसलिए बेचारे मजबूर हो गए। तो मुफ्ती साहब भी चले गए, लेकिन मुफ्ती साहब भी इस मूड में नहीं है कोई मुनाज़रा, कोई बहस उबासा करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ज़ाहिर बात है, मुफ्ती साहब की बातें अगर आप सुन लें, डेढ़ घंटा इस पर बात करेंगे, डेढ़ घंटा फलां चीज़ पर बात करेंगे, ज़ाहिर बात अगर आप यूं समझ लीजिए एक दिलचस्पी रखते हैं, आप इन चीज़ों को हल करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं इंजीनियर साहब मैं आ गया हूँ, शरायत भी आपके होंगे, सब कुछ जो भी आप कुछ कहेंगे वही करेंगे, आप सामने आए तो सही, आप सामने आ जाए, शरायत आपके होंगे, कुछ भी मुनाजिर का उसूल तो ये होता है। तो क्योंकि मुफ्ती साहब को पता है जो शरायत मुफ्ती साहब लगा रहे हैं, डेढ़ घंटे उस पर बात करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ये चीज़ वो, ये सब जाहिर बात है, उनके तो वो भी कोई अपने शरायत रखेंगे, ये वो शरायत रखेंगे जो वो कबूल नहीं करेंगे, वो भी ये शरायत इस तरीके से रखेंगे तो मुफ्ती साहब भी कबूल नहीं करेंगे। बस मुफ्ती साहब वापस आ जाएंगे कराची, वो जैसा निज़ाम उनका चल रहा है वही सब कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये छोड़ दें मैं ना, तो अगर मिल भी जाएं, बिलफर्ज़ मान लें आप मुलाकात कर लेंगे, बैठ जाएंगे, तो भी मुनाज़रा नहीं होगा बैठ के, याद रखें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दोनों ही नहीं चाहते किसी टॉपिक पे बात करें, बस गपशप लगा के वापस आ जाएंगे, कोई नतीजा कोई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल में आज ये मैंने आपको एक उन लोगों के लिए ये एक मैसेज छोड़ रहा हूँ कि जो दिलचस्पी लगा रहे हैं कि मुनाज़रा होने जा रहा है, जी अभी शो है, ये है, ये जो मज़हबी इस मामले से जो वाबस्ता लोग हैं, जो मज़हब से या किसी मसलक से रिलेटेड हैं, तो वो बेहतर जानते हैं, वो बहुत वेट कर रहे होंगे अभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दोनों ही कतरा रहे हैं, दोनों ही भागेंगे, कुछ नहीं होगा। तो आप अपने काम में लग जाएं। तो मुख्तसर मैसेज है आज के लिए फ़कत, अल्लाह हाफिज़।